सदर कुलहिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने रुकने काउंसिल बीआरएस के कविता से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ के तनाजुर में चीफ मिनिस्टर केसीआर और उनके खानदान की ताइद में बयान दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मोदी हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाया, जो तेलंगाना में चंद्रशेखर राव उनकी क्यादत को निशाना बना रहे हैं। सदर मजलिस से ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट मुसलमानों के समाजी बैकआउट की अपील कर रहे हैं। उन्होंने अवाम से घरों में हथियार रखने के लिए भी कहा, लेकिन मोदी हुकूमत चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और उनके खानदान को निशाना बनाने में मसरूफ है, जो तेलंगाना की तरक्की के लिए बेतकान जद्दोजहद कर रहे हैं। सदर मजलिस के ये रिमार्क्स चीफ मिनिस्टर की दुख्तर कविता से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ से कबल सामने आए।